अस्सलामुअलैकुम। तो आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ मैं अभी इंडिया की वीडियो डाल रही हूँ, और इससे पहले मैंने एक सऊदी अरेबिया की ही डाल दी है। तो ये मैं मिक्स कर कर ही डाल रही हूँ। यहाँ मैं इंडिया में अपने घर थी, और यहाँ बैठी हुई है हमारी बड़ी वाली बहन, जिनकी ये बहू हैं और बेटी आई हुई हैं, और ऊपर हमारी भाभी हैं जो कि नंद भावजो बैठी हुई हैं। तो ये हमारी ये वाली बहन की दो बेटियाँ बैठी हुई हैं, और वो बराबर बराबर में दोनों लड़की है, साबा और फरहाना। और ये मैं बैठी हुई हूँ, और ये दोनों दिख रही हैं ऊपर, शाजिया जिसे आपने वीडियो में देखा ही है। तो यहाँ मैं यही बता रही थी कि ये आज मेरे बहुत मुश्किल से ये अपने घर आती हैं, और इनको बहुत ही मुश्किल से अपने घर आने को होता है, और फिर ये आई थी अपने घर, तो बस मैंने बुलाया है। ये दोनों बहनें हैं, ये है बड़ी वाली बेटी, तो ये सबा और वो फरहाना, तो ये दोनों आई हैं। ये मेरी भांजियाँ हैं। ये फरा ये हमारी बहन की बहू हैं, तो इन्हें तो आप जानते ही, और इनके बच्चे तो आपने वीडियो में देखा है। ये इनके एक एक बच्चा बैठा हुआ है, एक बेटा इनका और एक बेटा इनका। और ये अपनी बेटी घर पर छोड़ कर आई हुई हैं, आई नहीं थी साथ में, क्योंकि ये एक एक दिन को ही आती हैं बस। तो एक रात को अपने घर पर आई हुई थी ये, तो उसमें ही मैंने शाम को इनको बहुत उससे कह सुनकर बुला लिया था। उमैमा जो क्या, उमैमा आपको बहुत सी वीडियो में दिखती रहती हैं, इस बार बहुत कम दिखती हैं आपको। तो ये खिलाड़ी है, तो ये है जुहैब। तो ये आए थे, और दोनों बहनें ही आई हुई थी घर पे अपनी अपनी अम्मी को या पापा को देखने, ऐसे आ जाती हैं कभी कभी, तो कई महीने बाद आती हैं। तो बस ये मेरे सामने भी आ गई, मेरी वजह से आई थी, मतलब मुझसे मिलने, तो मेरी मुलाकात बस यहीं हुई थी इनसे। तो ये आई हुई थी, और बस देर से आई थी, तो बस खाना चल रहा है, नाश्ता शायद उनका हो गया था, मौसम बहुत सही था, और उस टाइम की वीडियो है जिसमें ज़्यादा गर्मी नहीं थी। तो ये शाजिया फरहाना सबा है, और ये इन दोनों को हमने खाना ऊपर ही दे दिया था, जगह का मसला है, छोटा है तो जगह छोटी है, और मैं बैठी हुई हूँ वीडियो बना रही हूँ। ये पीछे ज़ैबा है और नमीरा अंदर है किचन में, तो किचन में हैं, ये सना है, तो ये जो भी खाना नहीं खा रहे हैं वो खड़े हुए ऐसे ही बस इधर, फिर सब ने खाना खा लिया है। तो यहाँ रसमलाई है, तो रात में ये ठंडी ठंडी मतलब रसमलाई चल रही है। तो मैं आ गई हूँ अपने घर जो हमारा मैका है। तो यहाँ पर सामने जो घर है उसमें शादी थी, तो शादी थी और आज माइयों हैं जो हल्दी है, तो उसी के लिए आई थी। रात का टाइम है, ऐसे अपनी गली में लाइट भी लगा रखी है, और ये हमारा था घर, और ये जो सामने नया बना हुआ है, अभी नया है बना हुआ, बाहर से अभी वो भी नहीं हुआ है फिनिशिंग उसकी। तो यहाँ माइयों हो रही थी, तो बस माइयों को मैंने बहुत थोड़ा सा ले लिया था, आज माइयों थी, तो बस ये सब लेडीज़ हैं, लेडीज़ों का काम चल रहा था यहाँ माइयों में, थोड़ा सा सीन लिया था बस मैंने। देखो भाई इधर से बोलो, दूसरा तीसरा दिन, और ये है शादी का, बारात भी जा चुकी थी और आ भी चुकी है, तो ये है आज शादी जो के बारात आएगी। तो बस हम शादी जो घर होता है शादी हॉल में पहुंच चुके हैं, और वो दूर था, अब हम थोड़े से ही लोग पहुंचे हैं, तो हम दो बाइक से गए थे, और यहाँ हम सना में जूबी अमान फरहान यहाँ हम ये पहुँच गए हैं सुबहान। तो हम जितने आए इस पे दो दो तीन तीन बैठकर चले गए हैं, और ये पिंक नज़र आ रहे हैं स्टार्टिंग, ये ऐसी एंट्री है। तो हम आगे चले गए हैं, आगे जो था लेडीज़ों के लिए हॉल बना हुआ है, और
खाने का अलग है, बाइकों को खड़ी करने का अलग है, बहुत बड़ी जगह थी। तो अभी हम ही पहुँचे थे, अभी बाकी सब आ ही रहे हैं, पीछे सब चले हुए हैं। तो दूर था, या तो रिक्शा से आएंगे या तो बाइक से आएंगे, ऐसे ऐसे मतलब थोड़ी दूर पर था। तो हम जा रहे हैं लेडीज हॉल की तरफ और ये जेंट्स चले जाएंगे, जेंट्स जहाँ बैठे हुए हैं। तो सना और मैं चले जाएंगे उधर जहाँ पर लेडीज हॉल में बैठी हुई हैं और सभी वहाँ पर जा रहे हैं। बाहर है तो बहुत बड़ी जगह थी, लेकिन जहाँ हमें पहचान वाली हमारे उनके मेहमान थे चारों साइड में, और जहाँ हम जा रहे हैं वो हॉल में थी अंदर। तो हम सिर्फ हॉल में चले गए थे और अब बाकी के अभी सब आए नहीं हैं। और यहाँ पर इनका खाना इधर साइड में जो होता है, जो बूफे टाइप का रहता है ना, जो लगे रहते हैं, तो वो लगे हुए थे। और यहाँ पर स्टेज बना हुआ था जो कि सब बैठे हुए फ़ोटो खिंचवा रहे थे, वो शाजिया थी सामने और उमैमा खड़ी हैं मेरे पीछे। और मैं अभी थोड़ी देर उमैमा को दे दूँगी कि उमैमा तुम बनाओ, ये बना रही हैं उमैमा मेरी। तो बस हमारी दोनों बहनों की बना रही हैं। तो ये सब भी थे, बहुत लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इसने किसी का बनाया नहीं, बस वापस फिर हमारे पे ही आ गई है। हम बैठे हुए हैं यहाँ पर और शाजिया सब जो थी वहाँ उधर फ़ोटो खिंचा रहे थे दूसरी साइड में। तो यहाँ हमें भेज दिया उन्होंने जहाँ पर हम शादी में थे भाभी ने, कि ये जो लगे हुए हैं सब ये खाना यहाँ के खाइए, ये मतलब नाश्ता था। और सना देखिए, इनका भी कोई ये स्टाफ के कुछ लोग आए हुए थे जिनका खाना अलग सा था, तो ये इन्होंने मंगा के इनको खिला रखा है और ये दोनों इसको खिला रही हैं। तो क्योंकि इनका ये सबा जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने घर वीडियो में दिखाया था, फरा और शाजिया, और फरहाना आई नहीं है क्योंकि फरहाना और भी दूर है, ज़्यादा दूर है, आ नहीं सकती हूँ। और मैं तो ये हम सारी भांजी हैं और बहुएँ और हम ही थे। तो यहाँ वो ही दिखा रही हूँ, मेरे पीछे खड़ी हुई हैं दोनों तीनों और मैं बाहर हूँ, अभी अंदर हॉल में नहीं गई हूँ मैं। तो हम अपनी बना रहे थे और फ़ोटो भी खींच रहे थे। तो ये हमारी भाभी हैं और मैंने फिर उमैमा या किसी बच्चे को दिया है कि मेरी वीडियो बनाए। तो हवा कैसी अच्छी चल रही है यहाँ पर, तो हवा में अभी बहुत अच्छा लग रहा था, अंदर से भी ज़्यादा अच्छा बाहर ही लग रहा था। थोड़ी थोड़ी सर्दी सी भी थी उस टाइम की ये वीडियो है, क्योंकि मैंने बताया है कि मैं अभी आ चुकी हूँ सऊदी अरेबिया में और ये वीडियो मेरी थोड़ी सी पहले की है जिसमें मैं अभी वॉइस दे रही हूँ। तो बस अभी फिर हम हॉल में अंदर चले गए थे और काफ़ी देर बैठे रहे अंदर हॉल में, अपनी बातें करते रहे, सब मिले थे। तो रात का टाइम हो चुका है ये, तो वो सब बोल रहे हैं कि खाना मतलब खाई आए। अब खाना खाने की जगह तो बचती नहीं है जब हम कुछ चाट पकौड़ी जैसी चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन जा रहे हैं हम खाना खाने की तरफ। तो ये हम ही जा रहे हैं, फरा, शाजिया, सपा, मैं, तो चले गए हैं। बहुत ही दूर है, खाने का सिस्टम देखिए कितनी दूर है। तो यहाँ देख दिखाई दे रही थी बारात आती हुई, तो बारात आ चुकी थी लेकिन कहीं और पर इनको नाश्ता था, तो ये यहाँ आ रहे हैं अभी। यहाँ ये इनका निकाह की जगह बनाई हुई है, यहाँ निकाह होगा ये साइड में। तो बहुत सारे मेहमान आते दिख रहे थे, तो मैंने कहा क्या क्या है, तो बताया कि बारात है ये। तो यहाँ पर इनका अभी होता रहेगा और हम चले गए फिर खाने की तरफ को अपना, जहाँ पर हम खाना खाएंगे। तो खाना तो हमसे बिल्कुल भी नहीं खाया गया था और हम चले गए, लेकिन और उमैमा को बार बार देख लें। तो ये सबा और उसका हस्बैंड, ये मेरा भांजा जावेद नसीम, और ये शाजिया फरा, जिनके इन्हीं के बहन के बच्चे हैं ये। तो ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और सबा को अभी जाना है बिल्कुल अभी जल्दी से, थोड़ा सा फारिग होके खाने से। तो हमने बस जो भी थोड़ा सा खाया था यहाँ पर खा चुके, खाना नहीं खाया जाता है ना जब हम दूसरी चीज़ें खा लेते हैं। तो फरा और शाजिया मेरे पीछे और दोनों तीनों हम साथ साथ जा रहे हैं वापस, और बस जाएंगे। और अमान घर जा चुके हैं, अमान वहाँ पर शादी में रहे नहीं क्योंकि और लेडीज अलग बैठी थी और जेंट्स अलग बैठे थे, और इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तबीयत कुछ लग रही थी ख़राब सी। तो ये वापस कुछ बच्चे घर आ गए, हम ही रह गए। ये मैं दिखा रही हूँ, इसका नाम गुलबहार है और ये भी मेरे घर के सामने ही घर है, और ये उनकी बेटी हैं
तो उनको हम भाभी कहते थे, अभी दुनिया में नहीं है। तो मैंने कहा गुलबार तुम्हें वीडियो में लेती हूँ। तो बस आज की वीडियो मेरी कैसी लगी, ये शादी की वीडियो है जो मेरे गली में हुई थी और बहुत कम शादियाँ मिलती हैं मुझे। तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए ये कैसी लगी। दुआ में मुझे याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।